நீயில்லாத நாளல்ல நாளாகுமா, நீயில்லாத வாழ்வல்ல வாழ்வாகுமா. गिनती का पुस्तक 21वां अध्याय 8 और 9 वचन को हम लोग देखेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंभे पर लटका, तब जो सांप से ढसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवा कर खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिस जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। पीतल की सांप को प्रतिमा के रूप में जो रखा था उसको देखने वाला बच गया। इस्राएली लोग सीन नामक जंगल को पार करके ओर नामक जहां पर वे लोग पहुंचे, उस ओर पहाड़ पर जब पहुंचे थे उसके बाद वहां से उन्होंने अपनी यात्रा को वहां से शुरू की। जंगल की यात्रा में तब वहां पर यात्रा के दौरान बहुत थक जाने के चलते यहां पर हमें पानी नहीं और यहां रोटी भी नहीं, तू यहां जंगल में मुवाने के लिए लाया बोल के वे सब कुड़कुड़ाने लगे। उसी वक्त में वहां से तेज विष वाले सांप आके सब उनको काटने लगे, वहां बहुत लोग मरे। इसके पहले प्रभु चेतावनियां देते थे, जब बात नहीं मानते थे तब परमेश्वर उनको दंड देते थे, लेकिन अभी प्रभु किसी के बात को नहीं माना, तुरंत वहां न्याय हुआ, विष वाले सांप आए, काटने से बहुत मरे। लेकिन इस्राएली लोग अपनी गलतियों का एहसास किया और मन पिराया, कुटकुड़ाने की पापों को छोड़कर परमेश्वर के वेदी के पास कहने लगे, हमने पाप किया। लोगों ने परमेश्वर के पास आके कहने लगा, हमने पाप किया, और परमेश्वर के दास मूसा के पास आके कहे। मूसा ने विनती किया, वहां क्या हुआ? इन्होंने सोचा था सांप सब लौट जाएगा, इनके सोचने के अनुसार नहीं हुआ, वे सब सोचे थे संगे हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने दूसरी तरीका उनके लिए रखा। ये वो तरीका था, हे मूसा, पित्तल का सांप बनाकर उसको एक खंभा में खड़ा करके छावनी में तुम बीच में रखना, जिस किसी को सांप काटा है वो ये प्रतिमा को देखने से बच जाएगा, जो नहीं देखेगा वो नहीं बचेगा। ऐसे कहने पर वैसे ही प्रभु का भक्त पित्तल की सांप को बना के छावनी के बीच में रखा था। उस प्रतिमा को जिस किसी ने देखा था, जिसको सांप काटा वो देखा, वो सब जो है उस विष से बच गया था। प्रभु कहता है, इतना बड़ा जीवन की जंगल में बहुत विष सांप जो है हमें काटने की संभावना है, बहुत दुखों को सहते हैं। आज सुबह दुखों को सहते हुए आप आए होंगे, ये एक वक्त बहुत ही आशीष बहुत ही समृद्धि में रहे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है आपके पास, ऐसे नुकसान के साथ आए हैं। आज प्रभु कहता है तुम बच जाओगे। जो यीशु ने हमारे लिए कलवारी क्रूस पर जीवन को दिया, ऊंचा किया हुआ प्रभु यीशु मसीह का, जब हम उनको ताकेंगे मृत्यु में से आप बच जाएंगे। जिसकी जीवन में कोई आशा नहीं, परमेश्वर आज आशा देता है। हालेलुया हालेलुया।